गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइड विद रिलैक्स। तो आज ये जो ब्लॉग बन रहा है ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मेरे राइडर भाई परेशान होते हैं, क्योंकि ये बताना चाह रहा हूँ कि हर राइडर की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या वो चाहते हैं राइड करना बट उसके जो गैजेट्स वगैरह की वजह से वो राइड नहीं कर पाते। तो ये बहुत बजट के अंदर मैं सारा सामान जो है मैंने मंगवाया है, और इसकी क्वालिटी भी आज देखेंगे। इसी माइक से जो मैंने डिस्कस करूंगा, ये डिजिटेक का माइक है। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 900 रुपीज़ की, जिसमें मेरे को 6 मंथ की वारंटी भी मिली है, और साथ में इसकी आउटपुट चेक अभी आप व्लॉग में देख ही लोगे, जिससे मैं आपको वीडियो अपने घर से बना के बता रहा हूँ। तो अभी तो जैसे आप लोग माइक वगैरह परचेज करते हैं और चलते हैं बाइक पे अपनी राइड करते हैं, तो बहुत सारे माइक ऐसे हैं जिसमें ना बहुत सारी विंड की आवाज आती है, हवा की आवाज आती है। जब आप चलाते हो तो उसके अंदर आपकी हवा की आवाज आती है, तो जो सामने वाला जो भी आपका व्लॉग देखता है या कुछ भी है, तो उसके अंदर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आती। मतलब बात समझने के लिए बहुत वॉल्यूम अप करना पड़ता है। इससे मैं ये क्लैरिटी देखना चाह रहा हूँ कि डिजिटेक का ये जो माइक है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अभी जब मैं राइड पे जाता हूँ या जाऊंगा आगे, तो मैं ये माइक को यूज करके देखूंगा, क्योंकि मेरा भी बजट बहुत ज्यादा हैवी नहीं था कि मैं 20,000 30,000 रुपए का माइक खरीद पाऊँ। पर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा माइक, किसी ने मुझे एडवाइस किया, मेरे किसी फ्रेंड ने, कि ये एक बार डिजिटेक का माइक यूज करो, वो भी यूट्यूब करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को काफी एडवाइस किया था कि ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस माइक है और बहुत कम बजट में है। तो बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब कैरियर, या जो भी नए ब्लॉगर हैं या जो भी नए राइडर हैं, वो अपना यूज करना चाहते हैं अच्छे माइक को, लेकिन ड्यू टू बजट वो नहीं कर पाते। तो ये वाला जो माइक है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको साउंड आ रही है तो आपको पता लग गया होगा कि ये माइक है। इसके आगे मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कहाँ से मैंने परचेज किया। लास्ट व्लॉग में वैसे मैंने बताया था, पर फिर भी आज उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं सब कुछ दूंगा, पहली चीज। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे आप अपने गोप्रो या मोबाइल माउंट कुछ भी आप अपने हेलमेट में इंस्टॉल करते हो, उसके लिए बहुत आपको कॉस्टली हेलमेट भी चाहिए। हेलमेट तो वैसे भी हमें अच्छा यूज करना चाहिए ड्यू टू सिक्योरिटी सेफ्टी। तो उसका भी एक सोल्यूशन मैंने निकाला। मैंने बड़ी एफर्ट्स करे, करीब 1 महीना 1.5 महीना इसके ऊपर रिसर्च करी कि किस तरीके से कैसा माउंट एक बन जाए जो कि मेरी बाइक के हैंडल के ऊपर लग जाए, जिससे बार बार मेरे को अपना फोन या अपना गोप्रो अपना हेलमेट के ऊपर इंस्टॉल ना करना पड़े। तो जिससे भी ना ओपन फेस हेलमेट हम यूज नहीं कर सकते अगर आपको ये सब चीजें लगानी है। तो जैसे कि मैं राइड करता हूँ, मेरे पास अपना रॉयल इनफील्ड हंटर है, और रॉयल इनफील्ड से ही, उनके शोरूम से ही मैंने हेलमेट परचेज किया था, जो कि ओपन फेस हेलमेट है, जिसके आगे गोप्रो वगैरह मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता या अपना फोन इंस्टॉल नहीं कर सकता, या अब चलती गाड़ी के ऊपर, चलती बाइक के ऊपर मेरे को व्लॉग बनाना है या वीडियो बनानी है, तो वो सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ तो एक गोप्रो परचेज किया जाए, 50,000 60,000 रुपये उस पर लगाया जाए, फिर उसका माउंट लगवाया जाए, फिर और भी बहुत सारे खर्चे और हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई फिर उसके लिए अलग से माइक परचेज करो। तो माइक का सोल्यूशन तो मैंने आपको बता ही दिया, और ऐसी इसी के रहते हुए मैंने एफर्ट्स करे, मेहनत करी, और बहुत जगह मैंने विजिट किया, बहुत लोगों से सलाह करी, बहुत लोगों से बातचीत करी कि भाई मेरे को ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ जिससे मेरी बाइक के हैंडल के ऊपर ही एक लग जाए, और कुछ ऐसा माउंट लग जाए। जो भी माउंट मिल रहे थे, छोटे छोटे साइज के मिल रहे थे, बड़े नहीं मिल रहे थे, या फिर ट्राईपोड को जुगाड़ करके बना रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी क्वालिटी बड़ी हल्की थी, तो उस टाइम ये था कि लो बजट के अंदर ऐसा कुछ बन जाए जिससे कि बहुत बढ़िया क्वालिटी आए और बहुत बढ़िया वीडियो अच्छी बने और बाकी सब भी हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इतनी रिसर्च करी, इतनी मेहनत करी, कभी किस मार्केट में, कभी किस शॉप पे, कभी किस मार्केट में, कभी किस शॉप पे, लेकिन कहीं पे भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैं चांदनी चौक में कैमरा मार्केट में गया, वहां पे एक अंकल मेरे को मिले, उनकी डिटेल आपने लास्ट व्लॉग में देखी होगी, तो वो सारी डिटेल मैं दोबारा इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अंकल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सारी। और अगर इसमें नहीं भी डलता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट वाले ब्लॉग में जाके भी उनकी डिटेल ले सकते हैं, उसमें उनका विजिटिंग कार्ड मैंने पूरा दिखाया। तो अंकल ने एक मेरे को बहुत ही सस्ता और बढ़िया एक जुगाड़ बना के दिया। हिंदुस्तान है ये, आपको पता ही है कि आधा तो जुगाड़ पे ही चलता है। तो उन्होंने ऐसा मुझे कुछ बना के दिया बहुत हैवी क्वालिटी में, जिसका कि आज मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज करूंगा अपनी बाइक के ऊपर लगा के। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा है, और वो जो मैं माउंट बनवा के लेके आया हूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप भी उसको देख के कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको चाहिए हो तो आप जाके वहां से ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये तो सिर्फ एक अपने भाइयों के लिए, अपने यूट्यूबर्स के लिए, और बाकी भाई जो मतलब ज्यादा बजट उनका टाइट रहता है, तो उस लो बजट के अंदर वो अगर व्लॉगिंग चालू करना चाहते हैं या राइडिंग चालू करना चाहते हैं, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत कम बजट में। लाइक आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो माउंट है जो मैंने अंकल से बनवाया। लगभग इसका वजन 1 किलो से ऊपर है, और बहुत हैवी क्वालिटी में है, बहुत बढ़िया क्वालिटी में है।
कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसने आपने इसको लेना है वो खाली अपनी बाइक के हैंडल पे, जैसे ये है यहाँ पे हैंडल अपना फंसाना है और इसको यूं करके कस देना है। बस ये जैसे ही आपका कस दोगे तो ऐसे लग जाएगा ये। आप इसमें पूरा रोटेशन का सिस्टम भी है, आप चाहो इसको 90 डिग्री तक पूरा घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट जैसे भी आप चाहो इसको कर सकते हो। पीछे बोल्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी स्टैंड की भी, तो आप जैसे इसको चाहो इसको घुमा सकते हो, हर एंगल पे ये घूम जाएगा। और उस एंगल पे आप घुमा के बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे सेट कर देना। और आपका जो अगर आप महंगा माइक या कुछ और यूज करते हो तो वो माइक भी आपका यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे लग जाएगा। तो बहुत बढ़िया आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और इस कम बजट के अंदर मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि सिर्फ 1700 रुपये अंकल ने मेरे से लिए और मेरे को ये पूरा बना के दिया। इसकी हाइट होगी लगभग 1.5 फुट के आसपास, जिससे कि पूरा बाइक के हैंडल पे इंस्टॉल होके इतना तो शीशे वगैरह होते हैं या अपना वाइजर होता है उसके ऊपर से अपना फोन निकल जाता है और आराम से सामने की रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग और आउटपुट कैसा आ रहा है, इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, और जो मैं माइक यूज करूंगा उसकी भी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। इसी के साथ मैंने अटैच किया हुआ है, तो अभी मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ। ये रहा माइक, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो आगे जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। तो मिलते हैं आगे मेरी बाइक पे। देखिए कितना इजी है ये, इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे रखिए और इसको बस यूं करके घुमा दीजिए। बहुत आसान है ये लगाना, बस ये लग गया। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन करके, आपका फ़ोन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। इधर रोटेशन है 90 डिग्री, ऐसे घुमाओ ऐसे, या कैसे भी आप अपना फ़ोन या अपना गोप्रो या कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, जो हर बंदा अपना हेलमेट के ऊपर लगाता था, हेलमेट के ऊपर से माउंट से फ़ोन लगाना या अपना गोप्रो लगाना और उतारना, उसका सोल्यूशन ये है आपका परमानेंट। तो ये कार्ड है भैया की शॉप का, पैराडाइज पावर। शाश्वत भैया वहाँ मिलेंगे, विकास भैया वहाँ मिलेंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल सारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप चाहो तो इनसे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और पीछे इन्होंने 900 रुपीज़ में माइक दिया है विद 6 मंथ वारंटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सी टाइप है या फिर नॉर्मल सैमसंग वाला पुराने वाला जैक है, तो शायद, मुझे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, कुछ बात तो कर रहे थे भैया वहाँ, तो हो सकता है लगभग आपको 50-100 रुपये और सस्ता मिल जाए। बाकी आज जो भी इसकी आउटपुट है, जो भी इसका रिजल्ट है, वो आज आपको आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ। अभी मैं जाऊँगा राइड पर, आज एक स्मॉल राइड लगाते हैं जिससे अपना सारा सामान आपको आज दिखाते हैं कि विंड की आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही और साउंड फट तो नहीं रहा, वो सब देखते हैं। जैसे ये मेरा हेलमेट है स्टड्स का, इसमें पहले मैंने गोप्रो माउंट या हेलमेट माउंट लगवाया हुआ था, मेरे पास दोनों माउंट है, लेकिन अभी मैं माउंट से मतलब कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने अभी इसको ये माइक जो परचेज किया डिजिटेक का जो आपको बताया, अब मैं इसमें लगाऊंगा। इसमें एक पॉइंट बना हुआ है बड़ा आसान सा, ये रहा, तो इस माइक को उठाया और यहाँ लगा दिया, बस बस इतना ही करना है, इतना करा और अपना आपका फर्दर काम चालू, बाकी आपको बाइक पे मिलते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पे बाहर मेन रोड पर, और अपना ये जो फ्लाईओवर है जनकपुरी वाला, इसके ऊपर ट्राई करते हैं एक बार। हल्का हल्का ये जो स्टैंड बनवाया है ना मोबाइल का, इसमें अभी हल्की वाइब्रेशन है, लेकिन यस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी माइक की परफॉर्मेंस, अभी बाइक चल रही है लगभग 70-80 में, तो इसके ऊपर हमें माइक की परफॉर्मेंस से पता लग ही जाएगी। थोड़ा थोड़ा स्टैंड हिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको भी देखेंगे और इसमें क्या बढ़िया जुगाड़ हो पाए जिससे ये बिल्कुल हिलना, वाइब्रेशन इसमें कम हो जाए, हल्की हल्की वाइब्रेशन है। क्योंकि अभी अंकल ने मेरे को बोला था नीचे थोड़ी थर्माकोल का पीस लगा के इसको पैक करना है, लेकिन मैंने अभी इसको डायरेक्टली लगा दिया, तो इसमें देखते हैं अगर जो वाइब्रेशन रोकनी है ना, क्योंकि ये बुलेट है 350 cc की हंटर, तो बुलेट में तो आपको पता ही है कि वाइब्रेशन रहती है, लेकिन फिर भी तो बाकी और स्पोर्ट्स बाइक वगैरह उसमें वाइब्रेशन कम होती है, तो बुलेट में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। तो अभी एक बार चला के देखते हैं, फिर आपको इसकी परफॉर्मेंस बताते हैं, मारुति आउटपुट कैसी आ रही है, ये सब आपको यहाँ पर इसमें पता लग जाएगा। अभी मैं जनकपुरी वाले फ्लाईओवर में हूँ और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो सबसे मेन हमारा मुद्दा वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, सबसे मेन जो मुद्दा है जो कि देखना है कि भी कम पैसों के अंदर बेहतरीन माइक हमें मिल जाए, तो वही है डिजिटेक का माइक है। अभी थोड़ा सा इसको चलाते हैं बाइक को और उसके बाद आगे देखते हैं, जब एडिट करेंगे तब देखेंगे कि इसमें
कितनी वाइब्रेशन आ रही है या कितनी साउंड क्वालिटी क्लियर नहीं है या कोई और कमी है, तो जो भी होगा मैं आपको जरूर इसके बारे में आगे ब्लॉग में बताता हूँ। मिलते हैं आपको घर जाके। फाइनली आ गया मैं वहाँ से एक राइड करके, लगभग 7-8 किलोमीटर की मैंने राइड करी है, उसके अंदर मैंने चेक करना है अभी अभी एडिट होने के बाद ही व्यू बताओगे तो आप ही लोग ना कि कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कुछ वाइब्रेशन हो रही थी जो मैंने मोबाइल स्टैंड लगाया था या गोप्रो स्टैंड लगाया बाइक पर, क्योंकि वैसे जो रॉयल इनफील्ड हंटर है ना बड़ी थोड़ी हैवी बाइक है और इसमें जो बुलेट रॉयल इनफील्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना इसमें सब में वाइब्रेशन तो रहती है। तो फिर भी मैंने इसको टेस्ट किया है, अभी मैं टेस्ट करके आपको आगे दिखाता हूँ इसको एडिट करके, और एडिट करके इसको ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी माइक वगैरह हर चीज़ की जो चीज़ें हमारी राइड में इस्तेमाल होती हैं उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और कम बजट में लो बजट में ही मैं दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम मैं कम से कम पैसों के अंदर आपको सारे जो है गैजेट्स जो आप लोग परचेज़ कर पाओ और अपनी राइड अपनी अच्छे तरीके से कर पाओ। बाकी इसकी परफॉर्मेंस अभी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मेहनत कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो नए लोग हैं जो चैनल में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और बाकी सब लोग पूरी वीडियो देखें ताकि परफॉर्मेंस उसकी आपको हर चीज़ की आपको पता लगती रहे और कहीं आपका पैसा किसी जगह पर गलत ना लग जाए। बस यही इंटेंशन लेके ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आगे मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।